नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन। इस दिवाली के पर्व में जब आप अपने घरों में मिठाइयां पटाखों के साथ त्योहार मना रहे होंगे, उस समय आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर हमारी संस्थान परिवार क्या कर रही है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको दे रही है, जिसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हमारे सारे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन। इस दिवाली के पर्व में जब आप अपने घरों में मिठाइयां पटाखों के साथ त्योहार मना रहे होंगे, उस समय आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर हमारी संस्थान परिवार क्या कर रही है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको दे रही है, जिसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हमारे सारे फैकल्टी मेंबर टीचर आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चंस का श्रृंखला लेकर आपके त्योहार में आपके साथ आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाते हुए आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए अनवरत प्रयासरत है। उसी अनवरत प्रयासरत में की एक कड़ी में किया क्या गया कि आपको साइंस वाले टीचर, ज्योग्राफी वाले टीचर, हिस्ट्री वाले टीचर में खुद सर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देंगे जरूर, ताकि आप उसे अपने छुट्टियों के बीच में पढ़े, याद करें और अपनी तैयारी को मुकम्मल आयाम दें। तो चलिए भाई, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर चलते हैं। मैंने जानबूझ के टॉपिक नहीं लिया है, क्योंकि लगभग मैंने सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, बचा है संविधान संशोधन। तो मुझे याद है कि मुझे वो कराना है, तो वो किसी भी समय घटना चक्र की कड़ी में आपके लिए मौजूद होगा, आपके लिए उपस्थित होगा। और इस घटना चक्र की कड़ी में आप क्या करेंगे, आप अपने को मेरे साथ संविधान संशोधन के लिए मजबूत करेंगे। तो परेशान मत होइएगा कि मैम ने संविधान संशोधन कहा था कि पब्लिक में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर करके पढ़ाएंगे, और मैम ने अभी तक नहीं पढ़ाया। बिल्कुल नहीं परेशान होंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, उसको तब पढ़ेंगे। अभी जब आप घर में त्योहार मना रहे होंगे तब आप क्या पढ़ेंगे, तब आप ये क्वेश्चन आंसर मेरे साथ करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या। सबसे पहले ये याद रखिए, यह एक वैधानिक संस्था है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि यह एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था का मतलब होता है गैर संवैधानिक है। वैधानिक संस्था का मतलब होता है गैर संवैधानिक है, अर्थात संसद एक अधिनियम द्वारा इसे निर्मित करती है। निर्मित किया है संसद ने एक अधिनियम के द्वारा। यह क्या करता है, यह मानव अधिकारों के, यह मानवाधिकार आयोग सभी मानव यानी विश्व के प्रत्येक देश के मानव, मानव होने के नाते गरिमामय जीवन जिएंगे, मानव होने के नाते एक दूसरे के समान होंगे, इस अवधारणा को लेकर चलता है। तो यह मानव अधिकारों के संवर्धन यानी उनको बढ़ाने में और संरक्षण के लिए कार्य करता है, संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करता है। ये कैसा है, एक वैधानिक संस्थान है। करता क्या है, संविधान द्वारा गारंटी प्रदान अधिकारों को मजबूत बनाता है, संविधान द्वारा गारंटी प्रदान अधिकारों को दिलाता है, मजबूत बनाता है। मानव अधिकार द्वारा जो मानवों के साथ लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी पूर्ति करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण आयोग है विश्व में। यूएनओ ने
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो प्रत्येक विश्व के देश को दे रखा है, लेकिन मानवाधिकार आयोग अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अधिकार दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है ये, विश्व के सभी देश के सरकार से अपील करता है कि आप अपने अपने यहाँ केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करें और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करें, ताकि मानव के अधिकारों की अवहेलना ना हो सके, उल्लंघन ना हो सके। इसीलिए इसे मानवाधिकारों का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? सजग प्रहरी भी कहा जाता है, अर्थात ये मानव अधिकारों को आगे ले जाने के लिए कार्य करता है। चलिए, कैसा निकाय है? हमने कहा था ना आपको कि कुछ आयोग के क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कुछ आयोग के बारे में बताएंगे, और उस क्वेश्चन में व्याख्या इतनी ज्यादा होगी कि आपको अलग से उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तब है क्या, यह एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। चलो भाई, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, अर्थात इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। 2 अंशकालिक डीम्ड मेंबर जिसे बोला जाता है, ये 6 सदस्य पूर्णकालिक है, फिक्स मेंबर है, ये बहुसदस्यीय निकाय है, 6 होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त 2 अंशकालिक यानी डीम्ड मेंबर होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं अंशकालिक सदस्य। ठीक है, अब समझिएगा, अध्यक्ष का पद किसके इक्वल हो? कहा गया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या कार्यरत जज हो, वह क्या हो सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। इसके सदस्य के रूप में, तो इसके सदस्य के रूप में भी सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश भी शामिल हो सकते। चलिए भाई, अब बात की जाए बहुसदस्यी के आगे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे भारत के न्यायमूर्ति थे प्रथम अध्यक्ष थे श्री रंगनाथ मिश्र। यानी मैंने क्या बताया कि भैया इसमें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज की? और वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र है, आपको पता है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र है। ये भी कौन है? मिस्टर अरुण कुमार मिश्र जी, ये भी न्यायमूर्ति। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, सवाल खूब पूछा जाता है, 6 सदस्य गैर मतलब वैधानिक है ये, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, एक एक पॉइंट याद कर लेना कि सवाल कहीं से भी बन जाए आप तैयार रहे, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए। पहली बार भारत में इसकी स्थापना कब हुई? तो पहली बार राष्ट्रपति के अध्यादेश में, राष्ट्रपति का अध्यादेश 2 जगह मुझे सबसे अच्छा लगा, आपको भी याद रखना चाहिए, 3 तलाक पर जो कानून बना था और ये जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रपति के अध्यादेश से एक अधिनियम की बात की जा रही थी, एक अधिनियम लाने की बात की जा रही थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इसकी बात की जा रही थी, और हुआ क्या, इसी अध्यादेश से इस अधिनियम को पारित करके
12 अक्टूबर 1993 को भारत में पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र जी को बनाया गया। पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? श्री रंगनाथ मिश्र। चूंकि शर्त ही है कि सुप्रीम कोर्ट का या तो वर्तमान जज हो कार्यरत या रिटायर्ड जज हो सेवानिवृत्त। क्लियर है? चलो भैया, या तो रिटायर्ड या कार्यरत, ये बात हो गई। अब इसी 12 अक्टूबर 1993 के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक घोषणा की। किसने घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक घोषणा की कि आगामी 10 दिसंबर से, ये घोषणा कब हुई? 1948 से। 10 दिसंबर 1948 से 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? विश्वास करिए, ये आयोग भले ही दंड ना दे पाती हो, लेकिन ये दंड देने का सुझाव और परामर्श देती है, मान्य भी होता है। ऐसा एक आयोग, जो आयोग विश्व में जितने मानव है, चाहे वो जेल में बंद कैदी हैं जिन्होंने गुनाह किया है, या स्वतंत्र लोग हैं, या इधर उधर रिफ्यूजी की तरह भटक रहे लोग हैं, सबके लिए एक अच्छा और सकारात्मक पहल किया है। ठीक है, तो क्या कहा गया कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। चलिए भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित कर दे? या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में जो पहले आ जाए ये कार्यकाल होगा। क्या कहा मैंने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले आ जाए। कोई 2 वर्ष कार्य किया तब भी 70 हो गया तो छोड़ना है, किसी ने 3 वर्ष पूरा कर दिया तब तक वो 65 का रहा तो भी तो 3 पूरा किया, छोड़ना है, यानी जो पहले आ जाए। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। कहा गया कि मान लीजिए इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो इसके पूर्व क्या करे? स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे। स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे और अपने पद से मुक्त हो जाए। अथवा क्या किया जा सकता है? अथवा सुप्रीम कोर्ट जांच प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटा सकता है। जांच प्रक्रिया का आधार क्या होगा? वही साबित कदाचार और असमर्थता। इस आधार पे भी सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग पर सवाल आपको खूब मिलेंगे, बहुत ढेर सारे मिलेंगे। तो चलिए भाई, पूछा क्या जा रहा है ये बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलिए। मानवाधिकार मैंने बताया ही है कि प्रत्येक मानव, चाहे जेल में बंद कैदी है या अगर मानवाधिकार आयोग में और जितने भी प्रकार के रिफ्यूजी टाइप से, या जिनका कहीं भी कोई अधिकार नहीं है, निवास स्थान नहीं, ऐसे जो एक पशु की तरह जीवन जी रहे, उनके लिए भी तो ये कार्य करता है। ठीक, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए भाई, कथन कारण देखा जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की अपर्याप्त पर है, अर्थात जो पहले आ जाए। ठीक है,
आयु पर्यंत है जो पहले आ जाए। चलो भाई ये देखो मैंने अभी पढ़ाया है, मैंने कहीं बताया क्या, मैंने कहा अध्यक्ष कौन होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो रिटायर्ड या कार्यरत। मैंने सीजेआई नहीं कहा था कि जरूरी ना हो कि, मैंने ये नहीं कहा था कि जरूरी है उसका मुख्य न्यायाधीश बने रहना, ये तो मैंने कहा ही नहीं था। क्वेश्चन आप पढ़िएगा तब मुझे बताइएगा कि आप क्या कह रहे हैं। लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, गलत है। सीजेआई नहीं, आवश्यक नहीं कि सीजेआई हो, कोई भी जज हो सकता है जो रिटायर्ड हो या कार्यरत हो, तो दो तो एक तो गलत हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 नहीं होता 3 या 70 है, तो ये भी गलत है, तो मान लिया जाए दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। पढ़ चुके हैं आप मेरे साथ, पढ़ चुके आप मेरे साथ। तीसरे में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, मैंने पहले ही बताया है। सवाल जरूर पूछे जाएंगे और आयोग पे तो वैसे भी कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन सी संगठन आतंकवादी है, कौन किस प्रकार कार्य करे, पक्का है पूछा जाता। न्यायमूर्ति एम एन वेंकट चलैया नहीं थे, न्यायमूर्ति जे एस वर्मा इन्होंने मूल कर्तव्य की कमेटी के लिए बात की थी, यहाँ नहीं थे। न्यायमूर्ति के राहुल स्वामी ये नहीं थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ये थे, मैंने बताया था प्रथम ये है, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र जी हैं, याद कर लेना ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत होता है, अब सोच लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ाया, अब राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग है क्या, राज्य मानवाधिकार आयोग है क्या, पहला यह मानव अधिकारों के, यह मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु एक स्वायत्त संस्था है, यह मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु एक स्वायत्त संस्था है, अर्थात ये मजबूत संस्था है, और क्या करता है, यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है कि भैया किस केस में, किस केस में, किस वाद में, किस तथ्य में मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन किया गया है, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन किया गया है, फिर क्या करती है, जांच करके इस पर सारा आकलन विश्लेषण करके सुझाव देती है, किसका, कि कैसे इन्हें संरक्षित और संवर्धित किया जाए, कैसे इन्हें संरक्षित और संवर्धित का मतलब समझते हैं, संरक्षण दे इनका, उल्लंघन ना होने पाए, हनन ना होने पाए, संवर्धन करे अर्थात इनके अधिकारों में वृद्धि करते जाएं। तो मानवाधिकार में राष्ट्रीय मानवाधिकार अपनी एक अलग स्वायत्तता लिए बैठा है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी एक अलग स्वायत्तता लिए बैठा है। अब समझिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़े, इसी पर जितना आपको क्वेश्चन याद आ जाए वो पढ़ा दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों को ध्यान से समझना, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, ऐसे आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। चलिए भाई बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की,
राष्ट्रपति गठन करता है। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सिफारिश पर? समिति की सिफारिश पर। ऐसी समिति किससे बनती है? ऐसी समिति बनती है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। ऐसी समिति किससे बनती है? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष से। किससे बनती है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से, राज्यसभा के सभापति से, सॉरी उपसभापति, सभापति शामिल नहीं। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता, जिसके लिए आप शब्द बोलते हैं उसके लिए नेता प्रतिपक्ष शब्द भी आता है। यानी आप क्या करेंगे, किससे मिलकर बनी? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, किंतु राज्यसभा का सभापति ऐसी समिति में शामिल नहीं होता। पहला पॉइंट नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे शामिल नहीं किया जाता। तो राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होता। चलिए, यहां पर कौन कर रहा है? यहां कर रहे हैं राज्यपाल गठन। किसके आधार पर, किसके द्वारा? एक समिति है, जिस समिति के सिफारिश पर कर रहे हैं। कौन कौन शामिल है? राज्य का मुख्यमंत्री, फिर कौन शामिल है? राज्य का गृह मंत्री, और कौन शामिल है? विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और कौन शामिल है? नेता प्रतिपक्ष। ये प्रमुख रूप से ये समितियां हैं जिनके द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। शर्त ही रखी गई कि जब जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए या राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, सुप्रीम कोर्ट का ही जज होगा, चाहे वह रिटायर्ड जज हो चाहे वह कार्यरत जज हो, कोई हो। अब कार्य क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संघ सूची के सारे कानून देखता है और राज्य और समवर्ती सूची में भी वो दखल रखने की अधिकारिता रखता है। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या करता है? आज के टॉपिक आपको समझ में आएंगे कि किस लिए आवश्यक थे राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों का संचालन करता है, देख रेख करता है, संचालन करता है, चाहे आप कह दीजिए देख रेख करता है, कुछ भी कह सकते, बिल्कुल सही है। क्या करता है? राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों का देख रेख करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगती है, यह आयोग कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग, जो मुझे सबसे अच्छी लाइन लगती है उसकी बात करते हैं। यह आयोग यानी राज्य मानवाधिकार आयोग कैसे मामलों की जांच करता है? तो मैंने कहा राज्य सूची पर कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर कानून, अर्थात कानून क्या बनाता है? राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों को संचालित करता है, देखता है। यह आयोग एक वर्ष के भीतर ऐसे सभी मामलों की जांच करता है, यानी जितने केसेज आए एक वर्ष के भीतर, जितने केसेज आए एक वर्ष के भीतर ऐसे सभी मामलों की जांच करता है, जिन मामलों में मानवाधिकार
मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया है या मानवाधिकार आयोग के बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन किया गया। एक साल के अंदर सारे केसेस को ढूंढते हैं, एक साल के अंदर सारे मामलात को देखते हैं और उन्हीं पर ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं। अब समझिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? आप कहते हैं राज्यपाल करता है एक समिति के लिए, यानी एक समिति के द्वारा। और तुम्हें, आपको भी पता है कि समिति का अध्यक्ष कौन, मैंने पढ़ाया। गठन तो राज्यपाल करता है राज्य मानवाधिकार आयोग का, किंतु हटाने की अधिकारिता राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। पॉइंट नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हटाने की अधिकारिता राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। राज्यपाल के पास नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। यह कैसी संस्था है, कैसे कार्य करती है? तो आप कहेंगे यह तीन सदस्यीय संस्था है। राज्य मानवाधिकार आयोग कितने सदस्यीय संस्था है? तीन सदस्यीय संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके सदस्यों के बारे में जानना। एक अध्यक्ष होगा, दो अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? हाई कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज या कार्यरत जज, न्यायमूर्ति होना आवश्यक है। आपका इसमें न्यायिक विभाग में होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो यह कैसी संस्था है? यह तीन सदस्यीय संस्था है जो एक अध्यक्ष दो सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना रिपोर्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना रिपोर्ट स्वतः समीक्षा करता है। इसका मतलब किसी को नहीं सौंपता है, किसी को नहीं सौंपता है। वो क्या करता है? वो स्वतः उसका आकलन करता है, स्वतः उसकी क्या करता है, समीक्षा करता है। ठीक है, अब राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लीजिए कि भैया इनके पास शक्तियां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिविल न्यायालय के मामलों की देखरेख करते हैं, पहला पॉइंट। ये क्रिमिनल का नहीं करते, सिविल न्यायालय के मामलों की देखरेख करते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और ऐसे मामले जो सिविल मामलों से संबंधित हैं उसको क्या करते हैं, उसका देखरेख करते हैं। ऐसे मामलों का पूर्ण रूप से निरीक्षण जांच करने के बाद जो आरोपी है उनको दंड देने की सिफारिश करते हैं, जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा की राशि देने की शिकायत की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी यही करता है, सिविल मामलों की देखरेख करता है। और जब सिविल मामलों की देखरेख करता है तो आरोपी के लिए वो क्या करता है, कहता है महोदय दंड दीजिए, इनके लिए दंड है। खुद दंडित नहीं कर सकते, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार हो, चाहे राज्य मानवाधिकार हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, इनके पास दंड देने की शक्ति नहीं है। इसीलिए ये इतना सीमित, मतलब इतना व्यापक क्षेत्र लेकर, इतना बृहद विस्तार लेने के बाद भी चूंकि दंड नहीं दे सकते, इसलिए कहीं ना कहीं अन्य न्यायालय के समक्ष ही अपने को छोटा मानते हैं। ये सच भी है कि इनके पास केवल अपील और सिफारिश की अधिकारिता होती है, दंड देने की अधिकारिता नहीं होती। चलिए क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु प्राधिकृत है? अभी मैंने कहा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या हाई कोर्ट का रिटायर्ड या सेवारत न्यायाधीश? पांच नंबर क्वेश्चन, आइए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है, इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु हटाने की अधिकारिता नहीं है। हटाना मतलब निलंबित करना, हटाने की अधिकारिता नहीं है। अब आप कहेंगे हटाने की अधिकारिता किसके पास है? हटाने की अधिकारिता है राष्ट्रपति के पास। क्लियर है ना? राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? मामला राज्य आयोग का है, क्वेश्चन आपसे राज्य आयोग का पूछा जा रहा है। आपको पता है ये कार्य कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल, क्योंकि वही सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? चलो भाई, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है ये बताइए। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, बिल्कुल, मैंने कहा एक वर्ष के अंदर का तो वो मामला देखती है, इसके अतिरिक्त मानवाधिकार का उल्लंघन जहां जहां हुआ वो देखती है। किसी जेल में जाकर उसका निरीक्षण करना कि क्या यह कैदियों के लिए अच्छा है, इसके अलावा क्या यहाँ रहने वाले कैदी सुरक्षित हैं, उनका विकास हुआ, उनको उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना बिल्कुल सही है। ये तीनों सही लग रहे। मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले को सजा, भाई मैंने कहा केवल सिफारिश कर सकता है, सजा दे नहीं सकता। तो आंसर क्या है? डी है। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? अभी बताया मैंने कि राज्य सरकार के समक्ष करता है, किंतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी के समक्ष नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपने को एक वैधानिक और मजबूत संस्था मानता है, अपने इक्वल किसी को नहीं मान रहा है, तो किसको देता है? राज्य सरकार को। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चलिए भाई, राज्य वित्त आयोग लोकसभा का सचिवालय आरंभ से ही बना था। केंद्र का वित्त आयोग 280 आरंभ से बना था। 280 राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये तो सही है। कौन नहीं? तो है मानवाधिकार आयोग। इसे 1993 में एक अध्यादेश के द्वारा एक अधिनियम पारित करके बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थाएं हैं, एक तरफ स्थापना है। किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया? ये है 28 मई 1990। 263 अंतरराज्य परिषद, केंद्र राज्य संबंध में हम लोग इसे खूब पढ़े हैं, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित, क्या कार्य करती है? विकास कार्य को मजबूती प्रदान करती है, समग्र विकास कार्य को। पंचवर्षीय योजनाएं लाती हैं, ठीक, किन किन योजनाओं में क्या क्या आवश्यकता है, पंचवर्षीय योजना कैसे कार्य करती है, इन सबको लाती है, ठीक है। तो ये क्या है? 6 अगस्त 1952। तो ये तो एकदम सही, यानी आंसर क्या है? बी है, जो सुमेलित नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, बिल्कुल सही है ये। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस लिए बनी थी? तो आपको भी पता है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी थी। के संथानम की सिफारिश पर बनी थी, के संथानम की सिफारिश पर बनी थी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी थी, ठीक है। तो ये सही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार मैंने बताया ही। आंसर क्या है? बी है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग, जबकि अगर आपको याद हो 1833 का चार्टर एक्ट जब ब्रिटिश भारत था पारित हुआ था, आपको याद है 1833 का चार्टर एक्ट जब ब्रिटिश भारत था तब पारित हुआ था, इसी समय लॉर्ड मैकाले विधिक सदस्य बनकर आया जो आईपीसी का जन्मदाता कहलाता है। ऐसी आईपीसी समय बीएनएस में परिवर्तित हो गई है। यही लॉर्ड मैकाले 1834 में प्रथम विधि आयोग गठित करता है और उसका अध्यक्ष बनता है। प्रथम विधि आयोग कब गठित हुई? 1834 में। अध्यक्ष कौन? लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है स्वतंत्र स्वतंत्र भारत, यानी 26 जनवरी 1950 का भारत। कौन सा भारत? जिस भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई है। तो इसका मतलब 1955 में स्थापित हुई थी प्रथम विधि आयोग। 1955 में प्रथम विधि आयोग स्थापित हुई थी और एमसी शीतलवाड़ थे कौन? एमसी शीतलवाड़ थे कौन? महा प्रथम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी थे। ठीक, यही कौन बने थे? यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। क्लियर हुआ? चलिए, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया। संविधान समीक्षा आयोग किसके लिए आई? संशोधन क्यों किए गए? ये संशोधन का संबंध किससे है? इस प्रकार का संशोधन से क्या क्या मिला? इस प्रकार के संशोधन से सरकार को क्या हानि हुई? ये कौन जान रहा है? तो ये समीक्षा करके ये जान रहे हैं। चलिए भाई, कौन है ये? एम एन वेंकट चलैया है। कौन है? एम एन वेंकट चलैया है। करते क्या है? आप कहेंगे भैया ये भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। कौन है ये? भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। किस लिए गठित हुई थी संविधान समीक्षा आयोग? कब गठित हुई थी? किस लिए गठित हुई थी? 22 फरवरी 2000 को। बताया मैंने संविधान में जो जो संशोधन हुआ है, संविधान में जिस प्रकार की प्रक्रिया हुई, इस संशोधन से क्या लाभ हुआ, इस संशोधन से क्या हानि हुई, इन सब पर जिक्र किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? मामला हाई कोर्ट का है और राज्य मानवाधिकार आयोग में एक सदस्य के रूप में इसे जाना है। आप भी जानते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के सिफारिश। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निवारण के लिए लाई गई, की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। क्यों लाया गया? आप कहते हैं देश के प्रशासन में ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेहिता के लिए लाया गया। देश के प्रशासन में ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेहिता के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है। अब सीबीसी का मतलब समझिएगा क्यों। 1964 में इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना के संथानम समिति के द्वारा
किया गया है। इसके आयुक्त यानी जो इसका चीफ है का कार्यकाल कितना होगा, के संथानम ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि देश के प्रशासन में ईमानदारी और सतर्कता बनी रहे इसके लिए इनका गठन, 4 या 65 जो पहले आ जाए। कौन है? के संथानम है, 4 या 65 जो पहले आ जाए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले थे आपको पता है मोरारजी देसाई। इनके शासन काल में ये पारित हुआ है। 1979 में उत्तर प्रदेश सॉरी 1979 में बिहार के मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल। बिहार राज्य में बड़ा ही गलत तरीके से या बड़े ही मनमाने तरीके से SC ST OBC को आरक्षण आवंटित किया गया था। इसी पर चर्चा हो रही थी, इसी पर रोज रोज जांच बैठती थी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में मंडल आयोग गठित हुआ जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मंडल आयोग। मोरारजी देसाई ने इसको पारित करा दिया कि हाँ ये चीज अच्छी है और भी मंडल आयोग पारित तो होना चाहिए। चलिए भैया, मंडल आयोग ने क्या किया, 1980 में अपना रिपोर्ट दिया। मंडल आयोग ने क्या किया, 1980 में अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हमें लगता है कि 27% OBC का जो आरक्षण है वो वैध है, किसी भी कीमत पे SC ST को या किसी को भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब क्या हुआ, इनकी बात मानी गई और इसे 1990 में लागू कर दिया गया। तब बीपी सिंह सरकार आ गए, 1990 में लागू, ये लागू हुआ है। इसी का विरोध हम लोग पढ़ते हैं जब अनुच्छेद 15-16 मैंने आपको पढ़ाया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इसी के विरोध में ये केस आया था और इसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। इसने क्या किया था, पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। ये वह आयोग था। क्लियर हुआ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है औषधि और प्रसाधन पर लगाया गया कर है, केंद्रीय कर के रूप में। हम आपको पढ़ा चुके हैं केंद्र राज्य संबंध में, केंद्र राज्य संबंध में पढ़ा चुके हैं ऐसा कर जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है और संकलन किया जाता है, बताए थे। व्यवसाय पर व्यापार पर या आजीविका पर लगाया गया कर क्या है, या आजीविका पर लगाया गया कर क्या है, 276। ठीक है, केंद्रीय ये वित्त आयोग है, आपको भी पता है वित्त आयोग है, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी अनुच्छेद में नहीं है। किसमें नहीं है, किसी अनुच्छेद में नहीं है। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया, अभी मैंने पढ़ाया आपको 1980 में। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, अभी मैंने आपको पढ़ाया 1980 में। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST आयोग, 1990 में जो आया राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है, तो भूमि निर्वर्षण तो है, बेचारों के पास रहने का स्थायी निवास नहीं है, बंजारों के रूप में इधर उधर भटकते हैं, बंधुआ मजदूरी जमकर कराया गया, दास बने रहे बहुत दिन तक, इन्हें जीवन जीने के लिए भोजन भी नहीं मिला, ऋणग्रस्तता खूब बेचारे पैसा लिए क्योंकि इनको जीवन जीने के लिए संसाधन बनाना था तो ये इनके ऊपर एक भारी भार की तरह था, धार्मिक कारण कभी भी नहीं रहा,
धार्मिक कारण कभी भी नहीं रहा। क्लियर है ना। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? जो अपने राज्य में इनसे काम लेगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्ति करवाता है। ठीक। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता। मैंने बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु इन्हें हटाने का अधिकारिता उसके पास नहीं है। कौन हटा सकता है? विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा गलत। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा कभी भी राज्यपाल को अथॉरिटी तो मिलेगी ही नहीं। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय से इन्हें मतलब नहीं है। तो ये क्या हुआ? 20 का सी सही हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए भाई, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भी भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, मैंने 124(4) की प्रक्रिया आपको पढ़ा रखी है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मैंने आपको 124(4) की प्रक्रिया बता रखी है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 317, राष्ट्रपति के पास अधिकारिता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक, इन्हें भी हटाने में भूमिका रहती है। केवल और केवल कौन है जिनको हटाने में भूमिका नहीं है? तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 या 62 होता है। किसके पास अधिकारिता होती है? आप भी जानते हैं, संसद के पास होती है। संबंधित राज्यों ने निवेदन किया हो कि महोदय हमारे राज्य में और बगल वाले राज्य में लगभग एक जैसी प्रक्रिया है, तो एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाए, संसद कर देगा। लेकिन इनमें सदस्य कितने होंगे, इनकी संख्या क्या होगी, इनके योग्यता क्या होंगे, इनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? क्वेश्चन 23 की ओर चलिए। किन मामलों में नहीं लिया जाता? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर लिया जाता है। भैया आरओ पीसीएस देकर देखिए, राज्य देता है। राज्य क्या करता है? राज्य देता है, ठीक है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए सिद्धांत कर्तव्य क्या होंगे? राज्य देता है। सिविल सेवाओं में प्रमोशन एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण राज्य बताता है कि ये नियम होगा। अगर किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो भी ये नियम का पालन करना होगा। लेकिन सिविल सेवाओं का स्थानांतरण करना हो तो किसी के पास अधिकारिता नहीं, तब इनसे सलाह नहीं लिया जाता, तब ये कार्य किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन 24 की ओर। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? खूब पूछा जाता है। पीसी होता समिति किसके लिए गठित हुई थी? सिविल सेवा में सुधार के लिए गठित हुई थी। कब? 2004 में। कब गठित हुई थी? 2004 में। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ही सिफारिश की थी कि 21 से 24 वर्ष यानी 25 वर्ष के अंदर ही इनकी आयु सीमा होनी चाहिए। ये पीसी होता समिति इस पे बहुत ही सुधार कार्य की। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 21 जून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, सही है। 21 अप्रैल को क्या हुआ है? 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सबसे पहली बार दिल्ली में सिविल सेवाओं के संबंध में कुछ वक्तव्य कहे थे, कुछ अपने कथन कहे थे, कुछ टिप्पणियां कही थी। जानते हैं ये क्या था? मेटकाफ हाउस था दिल्ली का, जिन्हा जहां पर इन्होंने चर्चा की थी, स्पीच दिया था। तो चूंकि 21 अप्रैल को दिया था और इन्होंने नागरिक के सेवाओं पर बड़ा अच्छा व्याख्यान किया था, इसीलिए उनकी स्मृति में क्या किया गया? नागरिक सेवा दिवस के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। तो
किसके रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल, 21 जून याद रख लेना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 अप्रैल किसके लिए मनाया जाता है, नागरिक सेवा दिवस के रूप में। तो ये मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने कहा था इस दिवाली पर घर में खुशियों के उपहार होंगे पटाखे और इनके साथ, तो हम लोगों की तरफ से आपको ढेर सारे उपहार होंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जब आप अपने घरों में बैठे होंगे खुशियां मना रहे होंगे तो उस समय इसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा, ये आपकी खुशियों में दुगना करने और चार चांद लगाने के लिए है। हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, सफल होइए, सफलता के साथ दिवाली मनाइए। थैंक यू सो मच।